ये है मेरा प्यारा मुल्क पाकिस्तान। ये एक आज़ाद मुल्क है भी और नहीं भी। यहाँ हर शख्स के लिए आज़ादी का मतलब अलग अलग है। किसी के लिए आज़ादी का मतलब बगैर खौफ के ज़िंदगी गुजारना है, तो किसी के लिए अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना आज़ादी है। खैर, ये मामला तो हमारी भी समझ से बाहर है, आइए आवाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हम आज़ाद हैं? वो देख रहे हो, वो हमसे ज़्यादा आज़ाद है। हटो साइड पे। अभी अलादीन भाई रोड से होके आ रहा हूँ, पूरा रोड टूटा हुआ है नीपा से लेकर अलादीन तक का। बाइक के जम्स टूट गए यार, मेरी कमर टूट गई, इंटरव्यू लेने खड़े हो। अभी हटो आगे से, हटो आगे से, मुंह टूट जाएगा तुम्हारा। जिस मुल्क में हमारा पानी काट के हमें टैंकर बेचा जा रहा हो, जिस मुल्क में हमारी गैस काट के हमें सिलेंडर बेचा जा रहा हो, जिस मुल्क में अदालत किसी काम की ना हो, जिस मुल्क के अंदर सियासत बहुत चोरियाँ हो रही हैं, बहुत मसले मसाइल हैं, गरीब आदमी बाहर जाता है उससे रैकेट छीन लेते हैं। बोलो, हमारी पुलिस क्या कर रही है इस वक्त? भाई देखो, जो उसका काम है, जो पुलिस का, वो अपनी जिम्मेदारी से काम करे तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में कभी चोरियां नहीं होगी। ये है आवाम की मुश्किलात। लेकिन क्या सारी गलतियां सियासतदानों की ही हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि हमारी भी बहुत ज्यादा गलतियां हैं यार। वैसे सियासतदान हैं बड़े। चले आइए, चल के देखते हैं कि ये आवाम खुद क्या कर रही है। हाँ भाई, आज तो रंगे हाथों पकड़े गए हो तुम बिजली चोरी करते हुए। क्या बोलोगे इस बारे में? नहीं नहीं भाई, किसने कह दिया मैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो देख रहा था किसी ने वो कनेक्शन ना लगा दिया, वो बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। चोरी नहीं कर रहा मैं, चोरी नहीं कर रहा। बहुत चोरी हो रही है, बहुत मसले मसाइल हैं। बोलो, हमारी पुलिस क्या कर रही है इस वक्त? भाई देखो, जो उसका काम है, जो पुलिस का, वो अपनी जिम्मेदारी से काम करे तो इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में कभी चोरियाँ नहीं होगी। ओ भाई, पेट्रोल निकालो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही किसी की बाइक से तुम पेट्रोल निकाल रहे हो? भाई मैं पेट्रोल इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे इन पर शक है। ये भी मेरी बाइक से पेट्रोल निकालते थे, अब मैंने भी निकाल लिया तो क्या हो गया? हिसाब बराबर। और अगर हम चोरी नहीं करेंगे छोटी मोटी तो क्या करेंगे आप बताओ? क्या करें, बैंक में डाका डालें जाके? यही बचे हमारे पास। कभी ना कभी तो ऐसा लगता है कि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं। हर महीने बिजली के बिल की टेंशन, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, बढ़ती हुई महंगाई। अगर इन हालात में आप किसी गरीब आदमी से आज़ादी के बारे में पूछेंगे तो उसका एक ही जवाब होगा, खामोश मुस्कुराहट। अगर इन मुश्किल हालात में अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप लोगों की मदद कर सकें तो ज़रूर करें, और अगर मदद नहीं कर सकते तो एटलीस्ट लोगों से मुस्कुरा के ही मिलने। मुल्क में एक अजीब बेयकीनी की सूरत हाल है। हकूमत अवाम से नाखुश है, अवाम हकूमत से नाखुश है। क्या ये वही पाकिस्तान है जिसके लिए कायदे आज़म में इतनी जद्दोजहद की थी? आप सब आजाद हैं, आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, मम्लिकत का इससे कोई सरोकार नहीं। आज़ादी क्या है? आज़ादी है अपने दिल की बात को बगैर खौफ के करना, अपनी राय का इजहार करना, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना। आज़ादी का असल मतलब तो वो लोग जानते हैं जिन्होंने इसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ना पूछो ज़माने से हमारी क्या कहानी है, पहचान तो बस ये है कि हम पाकिस्तानी हैं। अंकल, आपके दोस्त साहब आपको बुला रहे हैं। मेरा कौन सा दोस्त आ गया इस टाइम? पता नहीं कौन ब्लैक वीगो में आया हुआ। क्या ब्लैक वीगो है ये? अब मेरा भी आपसे एक सवाल है, क्या हम आजाद हैं?